नमस्कार, गुड इवनिंग, जय मंडल, जय भीम। आज मंडल साहब की पुण्यतिथि है और कल बाबा साहब की जयंती है, और इस बाबा साहब की जयंती भी और मंडल साहब की पुण्यतिथि आज मैं आपके सामने समक्ष पेश हुआ हूँ कुछ खास बात रखने के लिए। यथावत हमारे पास संसाधन की कमी है, मोबाइल फोन है, शालिनी, आद्या और ईशान ये हमारे सपोर्टिंग स्टाफ हैं, और ये होम स्टूडियो इसको कह सकते हैं। और जाहिर है कि मंडल साहब को नमन है और बाबा साहब को नमन है, और आज मैं कुछ खास मुद्दों पे चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि आज पूरे दुनिया में जो संकट रहा, जो वर्ल्ड वार में भी जो संकट नहीं था उससे भयानक त्रासदी है, कोरोना की त्रासदी है, कोरोना का संकट है। इसलिए आप सबसे उम्मीद करते हैं कि आप सब घर में सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और जो भी आपके पास स्पेस है उसका इस्तेमाल करते हुए खेलेंगे, सिनेमा देखेंगे, टीवी देखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और अपने आप को मेंटली, आइडियोलॉजिकली, फिजिकली तैयार करेंगे। कि ये कोई फ्रस्ट्रेशन और कोई आइसोलेशन ऐसा नहीं कि निराशा का वक्त नहीं है, और जब भी अगर आप हिस्ट्री जानते हो तो आप हर समय आपको ये बात याद रखनी चाहिए थी कि अनुग्रह नारायण सिंह जो सरकार में पहले वित्त मंत्री थे, 2 साल जेल में रहे थे, और उस समय उन्होंने मेरे संस्मरण किताब लिखी थी, और किताब बार बार आकर्षित करती, इतना ऑनेस्ट डिस्क्रिप्शन है उनके मूवमेंट का, आंदोलन का, बिहार की राजनीति का। जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा जेल में रहते हुए। तो ये मान लीजिए कि जेल नहीं है, घर में अपने फैमिली के साथ आप रह रहे हैं और बच्चों के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, तो आपको उसको इंजॉय करने की आदत डालिए, क्योंकि ये कहते हैं ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, संकट में आपको एक अवसर मिला है जिसमें आप अपने आप को, अपने घर परिवार, अपने आइडियाज, तमाम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कुंठा नहीं, नथिंग, सीधा इस समय को एंजॉय कीजिए और कोरोना त्रासदी से लड़ने में अपनी भूमिका निभाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ये मेरी अपील है। सबसे पहले आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करने के लिए आपके सामने आया हूं, और वो बिंदु ये है कि 2 प्रमुख बिंदु है। पहला बिंदु ये, कल अम्बेडकर जयंती है और मूर्ति पूजा को लेकर, स्टैचू को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर के क्या विचार थे, और दूसरा जो पहलू है कि जन्मदिन का जो दिन का जो सेलिब्रेशन होगा उसके बारे में अम्बेडकर क्या कहते। 2 प्रमुख मुद्दों पे मैं आपसे बात अपनी साझा करना चाहता हूँ, और जो भी मैं कह रहा हूँ ये कोई कथा और कहानी नहीं है, ये डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग से निकाली हुई बात है, वही आपसे साझा करना चाहता हूँ। तो पहला मुद्दा है कि स्टैचू, जो मूर्ति पूजा है, जो मूर्ति है, उसके बारे में क्या डॉक्टर अम्बेडकर के विचार थे। तो जो सबसे पहली बात है कि एक मैंने उनका पूरा एक आर्टिकल मैंने तलाश की, जब वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब छात्र थे 1916 में, उनकी उम्र 25 साल थी, जिस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे थे उस समय उनको पता लगा कि फिरोज शाह मेहता का नाम अगर इतिहास से आप परिचित हैं तो आप जानते होंगे कि फिरोज शाह मेहता पारसी समुदाय के थे, बैरिस्टर थे, और कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में थे, और 1890 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। उनके नाम पे बॉम्बे में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि उनको कॉमेमोरेट करने के लिए उनके मेमोरियल में, उनकी याद में एक स्टैचू बनाई जाए, एक मूर्ति बनाई जाए, और ये बात डॉक्टर अम्बेडकर को पता लगी। ये कहानी दिलचस्प है और इसलिए मैं कहानी के तौर पर कह रहा हूँ। जब उनको पता लगी तो उन्होंने वहां से एक चिट्ठी लिखा, और चिट्ठी किसको लिखा, वो लिखा द क्रॉनिकल, जो अखबार निकलती थी मुंबई से,
उसके एडिटर को एक चिट्ठी लिखा और उसमें लब्बो लुआब ये था कि उनका कहना था कि फिरोज शाह मेहता जो इतने बड़े महान आदमी इस देश के, उनके लिए सिर्फ मूर्ति बनाना उनके लिए सम्मान में कमी करना है, उनके आदर में उनके सम्मान में कमी करना है, इसकी जगह लाइब्रेरी बनाई जाए। ये लब्बो लुआब है। वो जो पूरा जो चिट्ठी है वो छपी, वो अखबार क्रॉनिकल में छपी और उसकी वो तारीख भी मैं आपके साथ मेंशन करना चाहता हूँ कि जो भी साथी देखना चाहे, वो तारीख है 28 मार्च 1916 को। ये 28 मार्च 1916 को द क्रॉनिकल में प्रकाशित हुआ था। इस पूरे एडिटोरियल में जो चिट्ठी उन्होंने लिखा था उसमें उन्होंने कहा था कि मूर्ति बनाने की जगह आप डॉक्टर अब तो उस समय नहीं हुए थे, उस समय छात्र थे, तो अंबेडकर साहब की उम्र 25 वर्ष है। वो जो चिट्ठी लिख रहे हैं उसका लब्बो लुआब जो है, जो क्रक्स है वो ये है कि वो कहते हैं उस चिट्ठी में कि एडिटर को कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि आप तो मेरे इस विचार से सहमत होंगे कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भारत जैसे पिछड़े देश में सबसे ज्यादा जरूरत ईमानदार नेताओं की है। ये बात आज भी लागू है इस देश की राजनीति। वैसे लोग जो देश के पुनरुद्धार के लिए, जो देश के पूरे रिवाइवल के लिए जिन्होंने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, मिस्टर गोखले और मिस्टर मेहता वैसे ही श्रेणी के नेता थे। ये डॉक्टर अम्बेडकर साहब लिख रहे हैं 1916 में। एक गोखले और मेहता वैसे ही नेता थे। तो कहते हैं कि हमारे जो ग्रीवांसेस हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिस तरीके का साहस और त्याग का उन्होंने परिचय दिया है, उसके लिए सिर्फ स्टैचू ही नहीं, एक वैसे परमानेंट रिस्पेक्ट, एक चिरस्थायी सम्मान के हकदार हैं और इसके लिए हमें काम करना चाहिए। इनके कॉन्ट्रीब्यूशन को नैरेट करते हुए अम्बेडकर लिखते हैं कि वे हमारे कई समस्याओं का उन्होंने समाधान करने की कोशिश की। उन्होंने आवाज उठाई कि उस समय ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट कि जिस तरह की समस्याएं थी उस समय वही लोग फ्रंट पे लड़ रहे थे, तो कह रहे हैं कि उन्होंने कई समस्याओं के बारे में आवाज उठाई। कुछ समस्याओं का समाधान उन्होंने किया भी, लेकिन कुछ समस्याएं जाहिर है कि उनसे समाधान नहीं हो पाया, तो वो जिम्मेदारी फ्यूचर जनरेशन की है कि उन समस्याओं का समाधान वो करे। तो इस तरह के लोग, ऐसे लोग जिन्होंने कंटेम्प्रेरी उस समय के पूरे हालात को सुधारने के लिए, बदलने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया हो, उसका सिर्फ मूर्ति से नहीं उनका उचित सम्मान किया जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर साहब अपने चिट्ठी में वो बात कह रहे थे। उन्होंने आगे कहा, कहानी दिलचस्प इसलिए है कि आजकल मूर्ति को लेकर भारत में बहुत हंगामा है, चाहे मूर्ति जिसकी भी हो, और जिस तरीके से पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में आप इस बात को समझ सकते हैं। कि उन्होंने कहा आगे कि समाचार पत्रों से ने संकेत दिया है कि मिस्टर गोखले के लिए सर्वेंट ऑफ इंडिया के विभिन्न शाखाओं में मेमोरियल स्थापित करने की पूरी प्लानिंग है, इसके लिए डिसीजन हो चुका है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जितनी शाखाएं हैं वहां पे गोखले की मूर्ति लगाई जाए, जबकि सर मेहता के लिए सिर्फ बॉम्बे म्यूनिसिपल में एक स्टैचू, एक मूर्ति लगाई जाए। अंबेडकर को इस बात से परेशानी हुई, वो इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने ऐसे प्रयास को बहुत ही ओछा, बहुत ही सतही किस्म का माना और उन्होंने कहा कि अगर स्टैचू ही, अगर सर मेहता को याद ही करना है तो स्टैचू की जगह सर फिरोज मेहता लाइब्रेरी नाम से बॉम्बे में एक लाइब्रेरी बने, एक पब्लिक लाइब्रेरी बने जो सबके लिए खुला हो। नोट कीजिएगा ये बात कि उन्होंने कहा कि स्टैचू की जगह पब्लिक लाइब्रेरी बने। आगे उन्होंने लिखा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है
इस समाज की प्रगति और विकास में एक संस्था के रूप में हमने लाइब्रेरी के महत्व को नहीं पहचाना है, लाइब्रेरी का के महत्व को नहीं पहचाना। बाद के दिनों में देखेंगे तो आप जो 20th सेंचुरी के बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, चाहे दरीदा हो, फुको हो, तमाम ऐसे लोग, उन्होंने हर समय इंस्टीट्यूशन और लाइब्रेरीज के इंपॉर्टेंस को उन्होंने बल दिया। वो कहते कि ये विडंबना है कि हमने लाइब्रेरीज के महत्व को नहीं पहचाना। सो बिना आधुनिक लाइब्रेरी के बॉम्बे की प्रबुद्ध जनता लंबे समय तक बहुत नुकसान उठा चुकी है और इसकी बेहतरी के लिए लाजमी है कि हम पहले से ही सुधार का प्रयास करें। 1916 में ये अंबेडकर की चिट्ठी है, ये बात नोट कीजिएगा। आगे वो कहते हैं कि यस, हम जानते हैं कि मुंबई में स्वतंत्र रूप से, निजी रूप से कई पुस्तकालय काम कर रहे हैं बॉम्बे में, लेकिन अगर इनको व्यवस्थित रूप से एक भवन में, एक बिल्डिंग में लाया जाए, उसका मैनेजमेंट किया जाए और उसका निर्माण जो है सर फिरोज शाह मेहता मेमोरियल फंड से किया जाए, और इस फंड से करते हुए उस लाइब्रेरी का नाम फिरोज शाह मेहता पब्लिक लाइब्रेरी रख दिया जाए, तो हम दोनों उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे। दो उद्देश्य क्या है? एक तो हम उनको ट्रिब्यूट पे करेंगे कि उनके नाम पे लाइब्रेरी है, एक बड़ा काम हुआ। दूसरा, एक लाइब्रेरी बन जाएगी जो कि मुंबई, जो बॉम्बे की जनता है उसके काम लायक तरीके से, इसलिए इसको मिला रखा जाए। अब हमारे भविष्य मुंबई में फिरोज शाह मेहता लाइब्रेरी कब बनी, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, उसके पीछे पर्पस क्या था, पत्र, ये एडिटोरियल लेटर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। भविष्य के शोधार्थी ये तलाश करेंगे कि मुंबई में जब लाइब्रेरी बनी, यदि बनी तो कब बनी। जहां आगे कहते हैं दिलचस्प है कि जहां तक लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने और किताबें खरीदने का सवाल है, मैं विश्वास करता हूं कि वहां ऐसे बहुत सारे मुंबई में उदार व्यक्ति हैं जो इस काम के लिए आपको चंदा दे सकते हैं, फंड दे सकते हैं। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, फंड कभी कोई इशू नहीं रहा इस तरह के काम के लिए। तो इसलिए ये बात अम्बेडकर उस समय भी इसको हाईलाइट करते हैं। सो इस एडिटोरियल चिट्ठी के अंत में वो लिखते हैं कि अमेरिका के एक बड़े विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में मैं बॉम्बे शहर के लोगों के बौद्धिक और सामाजिक विकास में लाइब्रेरी की महत्वपूर्ण भूमिका को पूर्णतः समझता हूं, और ये हमको भी समझना चाहिए आज कि लाइब्रेरी का क्या इंपॉर्टेंस है लोगों के जीवन में। इसलिए इस अवसर पर मैं बॉम्बे की जनता से आग्रह करना चाहता हूं कि जो मैं सोचता हूं, जो मैं कह रहा हूं, वह भारतीय इतिहास के महानतम हीरो के लिए सबसे उपयुक्त ट्रिब्यूट होगा, यादगार होगी। कि अगर उनके नाम पे अगर लाइब्रेरी आप बना रहे हैं तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि, इससे बड़ा ट्रिब्यूट कुछ नहीं हो सकता है। अंत में वो कहते हैं कि मैं भारत से 10,000 मील दूर हूं, भारत से कोई भी समाचार अमेरिका पहुंचने में बहुत समय लगता है, कि मैं बहुत ही विलंब से, बहुत लेट ये चिट्ठी लिख रहा हूं, लेकिन लास्ट वो कहते हैं कि कुछ नहीं होने से विलंब होना बेहतर है। कि अगर मैं नहीं लिखता तो कुछ भी नहीं होता, अगर मैं लिख रहा हूं तो हो सकता है कुछ हो जाए। सो कभी कुछ नहीं होने से विलंब होना बेहतर है। तो मैं इस होप के साथ वो चिट्ठी लिख रहे थे कि शायद उनकी चिट्ठी का प्रभाव मुंबई की जनता में पड़े और फिरोज शाह मेहता की लाइब्रेरी बने। अब क्या इसका मतलब है? आज आप देखिए पूरे भारत की राजनीति में मूर्ति को हर जगह मूर्ति बनाई जा रही, हर जगह मूर्ति बनाई जा रही। मूर्ति बनाना कोई खराब बात नहीं है, मूर्ति बनाने की राजनीति से मैं कोई असहमत नहीं हूं, लेकिन सिर्फ मूर्ति ही बनाना ये समस्या का समाधान नहीं है।
अगर जितनी मूर्तियां बनाई जाती हैं, देख मूर्ति क्या है, मूर्ति एक प्रतीक है, एक सिंबल है। आम जनता, वो हमारे जैसे लोग जो किताब पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिंदी में अनुवाद करते हैं, आपके बीच लेकर आते हैं बात रखने के लिए, आम जनता वो मोटी मोटी किताबें नहीं पढ़ सकती हैं। इसलिए आम जनता मूर्तियों से ही अपने प्रतीकों को, अपने मुक्ति के सवाल को वो एड्रेस करती है, वो समझती है। इसलिए मूर्ति का एक रोल है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन मूर्ति ही बनाना वो काफी नहीं है, संस्थाओं का निर्माण करना बहुत जरूरी है। ये बात 25 साल के अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रहते हुए, ये बात उस समय क्रॉनिकल को लिख रहे थे और क्रॉनिकल में वो छपा भी था उस तारीख को, उसी के हवाले से मैं ये बात कह रहा हूं। इसलिए संस्थाओं के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। हमारे हजारों नेता हैं, हजारों संगठन हैं, संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं बनाई है, एक स्कूल नहीं खोले हैं कि जिसमें कि अंबेडकर के विजन के हिसाब से बच्चों को शिक्षा दी जाना चाहिए। ये सवाल मैं किसी व्यक्ति विशेष में नहीं कर रहा हूं, करोड़ों रुपए चंदा लेते हैं, लेकिन आज भी एक स्कूल उन्होंने वो एक दून स्कूल के टक्कर में एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल आज नहीं खोल पाए हैं। ये त्रासदी है, ये विडंबना है आजादी के 70 साल बाद की। इसलिए अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है, वो बनती है। तो ये बात समझना है, मूर्ति को लेकर मैंने बात कही। तो दूसरा इंपॉर्टेंट जो मसला है, वो मसला बहुत दिलचस्प है और इसको आप गंभीरता से सुनिएगा और आपको लगातार ये बात शेयर करते भी रहना है कि 1942 में 26 अप्रैल को मुंबई में एक सभा हुई थी कामगार मैदान मुंबई में, और उस सभा हुई थी अंबेडकर साहब के 50वीं जन्मदिवस मनाने के लिए, जो गोल्डन जुबली मनाने के लिए। उस समय अंबेडकर एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। वो प्रोजेक्ट था कि हिंदुओं ने हमारे लिए क्या किया। इसके लिए वो डर्टन लाइब्रेरी जा रहे थे, डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे थे, पढ़ रहे थे, और एक एक्टिव शेड्यूल था, और उस शेड्यूल के बीच से वो निकल कर वो गए इस कामगार मैदान में, इस समारोह में शामिल होने के। और शामिल हुए इसमें, तकरीबन याद रखिएगा उस समय 1942 की बात है, 50 वर्ष अंबेडकर के हो चुके थे जीवन के, और मैं 2 साल कम हुए और मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ उनके मुकाबले, मैं 0 0। 50 वर्ष में वो बड़ी काम कर चुके थे, मैं 48 वर्ष का हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ। जब उस मैदान में वो पहुंचे तो उनको वहां पे तकरीबन 10,000 लोगों की भीड़ थी। वो थे वही वहां के लोकल लोग थे और उसकी अध्यक्षता कर रहे थे नगर निगम के एक सदस्य जिनका नाम था एमवी डोंगे। उस सभा में अंबेडकर साहब को 580 रुपए का एक थैला दिया गया था कि लोगों ने इकट्ठा करके, कि अंबेडकर साहब उस समय तक अंबेडकर दलितों के, अछूतों के और डिफरेंस क्लासेस के उसके एक एस्टैब्लिश नेता हो चुके थे, तो लोगों ने चंदा करके 580 रुपए का एक थैला उनको दिया था। थैले अलग बात है, आजकल थैले का क्या मतलब होता है वो दूसरी बात है। तो ये है कि आज थैला का मतलब कुछ और समझते हैं, लेकिन आगे मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि आज के संदर्भ में अंबेडकर के विचारों की क्या प्रासंगिकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे कार्यक्रम में, जब अंबेडकर भाषण देने पहुंचे तो उन्होंने क्या घोषणा की, इसको नोट कीजिए, गंभीरता से सुनिए। उन्होंने कहा कि अब कभी मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू सेलिब्रेट माई बर्थडे एनी मोर। 50 वर्ष के अंबेडकर ये बात कर रहे हैं कि मैं अपना जन्मदिन कभी भी नहीं मनाना चाहता। ये घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है, और क्यों है ये, कोरोना क्राइसिस में कैसे जो उनके बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, इस में थोड़ी बात रखूंगा। आमतौर पर अंबेडकर को कैसे जाना जाता है, ये बहुत ही मधुर भाषी थे, बहुत ही सुपर स्पीकर, बहुत बढ़िया बोलते थे, बहुत ही मेलोडियस उनकी साउंड थी। लेकिन इस कार्यक्रम में
अंबेडकर साहब दहाड़ते हुए बोले, शेर की तरह दहाड़ थी, और ये बोलते हुए उन्होंने कहा कि 1942 जब क्रिप्स मिशन आया था उस समय याद रखिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू था और उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत से समर्थन चाहिए था, इसके लिए क्रिस्प मिशन आया था, ये बात याद रखने की। तो कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है और हमें नीचा दिखलाने की कोशिश की है, हमें नीचा दिखलाया है। जो क्रिस्प मिशन था उसका क्या उद्देश्य था, कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को एक साथ साधा जाए, तो जो जो एजेंडा इन लोगों ने दिया दोनों को मान लिया गया, वो तो कागजी तौर पे। इसलिए हम अम्बेडकर लिखते हैं कि दोनों की मांग को मानकर ऐसा किया गया कि कोई मांग ना माना जाए, क्योंकि दोनों कांग्रेस लीग और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रतिस्पर्धी थे। इसका मतलब कि कुल मिला जुलाकर वो सिफर जीरो हुआ, इसलिए क्रिस्प मिशन फेल हो गया। उस समय याद होगा जब क्रिस्प मिशन जब फेल हुआ तो गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। इस समय ये कह रहे हैं कि भगवान का शुक्र है कि थैंक्स टू गॉड फॉर इट। अब ये आप पढ़ लीजिएगा डॉक्टर अंबेडकर को तो कहिएगा कि अंबेडकर भगवान को मानते थे, वो कहते हैं कि थैंक्स टू गॉड। तो अंबेडकर ये एक कई बार होता है कि जो मुहावरे जो लोकप्रिय जो परंपराओं से आती रहती है वो हर समय इस्तेमाल होता है। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर भगवान को मानते थे और आस्तिक थे और कर्मकांड करते थे, उन्होंने लिखा है थैंक्स टू गॉड कि वो कहते हैं कि जो विपत्ति आई थी इसमें डिप्रेस क्लास के लोग डिप्रेस क्लासेस यूज करते हैं, अनुसूचित जाति नहीं करते, कि डिप्रेस क्लासेस के लोग बच गए इस क्राइसिस से, लेकिन कहते हैं कि ये संकट की पुनरावृत्ति हो सकती है, ये वापस ये संकट आ सकता है। और जब भी ये संकट आए, क्योंकि क्रिस्प मिशन में डिप्रेस क्लासेस को इग्नोर कर दिया गया था, सिर्फ कांग्रेस और मुस्लिम लीग से बात करने की मंशा थी उनकी, इनको इग्नोर किया गया था, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो हम लोग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अंग्रेजी में एक शब्द है कि हम लोग बच गए। तो कहते हैं कि अगली बार अगर जब भी ऐसी बात हो तो यू हैव टू रेडी फॉर एक्शन, आपको जो है एक्शन के लिए तैयार होना होगा। और ये एक्शन क्या होगा, ये पॉइंट बहुत नोट करने वाली बात है कि अपने हक हकूक के लिए अपने अधिकार के लिए किस तरह के एक्शन की बात करते हैं। कहते हैं कि ये संवैधानिक होगा या असंवैधानिक होगा मैं नहीं जानता, ये हिंसक होगा अहिंसक होगा मैं नहीं जानता, ये शांतिपूर्ण होगा अशांतिपूर्ण होगा मैं नहीं जानता, लेकिन वो अपने लोगों के बीच एक क्रांतिकारी आह्वान कर रहे हैं कि यू हैव टू बी रेडी फॉर एक्शन, आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए, तभी कुछ मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा। आज के नेताओं से पूछे जाने की जरूरत है, वो कितना आह्वान करते हैं अपने हक हकूक को बचाने के लिए, लोगों को सड़क पर उतरने के लिए, ये आप तय करेंगे, इस पर मैं कोई वैल्यू जजमेंट नहीं दे रहा। कि आम तौर पे अगर अंबेडकर की पूरी राइटिंग्स को आप पढ़ेंगे, स्पीचेस को पढ़ेंगे, तो वो हर समय वो एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज प्रिंसिपल्स में बिलीव करने वाले लोग, उसको विश्वास करते करने वाले लोग हैं, लेकिन इस भाषण को देखें तो इसमें लग रहा है कि अंबेडकर एक क्रांतिकारी आह्वान कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि पूना कैट के बाद एक फ्रस्ट्रेशन है कि क्या होगा शेड्यूल कास्ट का और तमाम उनका भविष्य भारत की राजनीति में, तो वो फ्रस्ट्रेशन में वो क्रांति का एक हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में वो क्रांति का आह्वान कर रहे हो। उन्होंने घोषणा किया उस पूरे कार्यक्रम में कि आपके बीच फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आएगी, आप उसका सामना करेंगे, लेकिन आपका स्थान उसके अंदर नहीं होगा, आप अपने आप को उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहीं नहीं पाएंगे, तब आपका एक ही स्थान होगा, वैधानिक स्थान होगा, वो होगा आपका मुख्यालय, इसलिए आपको आगे की राजनीति के लिए रणनीति के लिए आपको कमर कस के तैयार होने की जरूरत है। ये बात नोट करने की है कि
बगैर बार बार अम्बेडकर के राइटिंग्स में ये बात मैं पढ़ता रहता हूँ कि बगैर संघर्ष के कोई भी अधिकार नहीं मिलते, तो वो अपने मासेस को जिसको एड्रेस कर रहे हैं लगातार, वो एक अगले संघर्ष की तैयारी के लिए आह्वान कर रहे हैं। आप इस जंक्चर पे 1942 की बात है, अगर आप देखेंगे तो अगर कांग्रेस के साथ उनका जो पूरा टसल है वो 20 वर्षों का इतिहास है कि 20 वर्षों से उनकी लड़ाई चल रही है। इस समय इस जंक्चर पे वो चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है तो एक विकल्प वो पेश करते हैं। वो कहते हैं कांग्रेस के लोगों को कि आप स्वराज के लिए लड़ रहे हैं, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, आपको एश्योर करना चाहता हूं कि मैं आपसे बेहतर तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकता हूं, कि आई कैन फाइट बेटर देन यू अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रिजीम। मैं सिर्फ एक शर्त रखना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि मुझे बताइए कि जब आजादी मिल जाएगी, जब स्वराज होगा, तो उस स्वराज में हमारा शेयर क्या होगा, हम किन शर्तों पे आपके आजाद भारत में रहेंगे। ये शर्त उन्होंने डाली थी। फिर आगे लिखते हैं कि अगर आप यह नहीं बतलाना चाहते और हमारे पीठ पीछे, है ना, पीठ पीछे अंग्रेजों से समझौता करना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं, तो हेल ऑन बोथ ऑफ यू, दोनों नरक में जाओ। कि अंग्रेज और कांग्रेस उस समय चूंकि कांग्रेस ही पार्टी थी, तो हेल ऑन बोथ ऑफ यू, नरक में जाओ तुम। ये बात डॉक्टर अम्बेडकर लिख रहे हैं कि ये बड़ा दिलचस्प है, ये समझने की बात है, पूरा एग्रेशन है डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण में। लेकिन अपने लोगों को जब एड्रेस कर रहे हैं तो एक पितृवत, पिता की तरह बात कर रहे हैं, जैसे अपने बच्चों को कैसे एड्रेस कर रहे हैं। तो वो कई कहानियां सुनाते हैं, प्राचीन कहानियां सुनाते हैं पूरे भाषण में, और उसके साथ साथ पिछले 23 वर्ष का जो उनका संघर्ष है, 23-24 वर्ष का संघर्ष है, उनकी कई घटनाओं का जिक्र वो भाषण में करते हैं। मसलन कोल्हापुर की उनकी पहली आम सभा में क्या क्या घटना हुई थी, उसकी चर्चा करते हैं। वैसे लोगों की भी चर्चा करते हैं, वैसे लोग जो अछूत लोग जो मिनियल वर्क में जो शामिल थे, जो घृणित कार्य में शामिल थे, लेकिन वो भी अंबेडकर का विरोध कर रहे थे उस समय, उनकी भी चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कि वो सारे दिलचस्प अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं पूरी मीटिंग के साथ, और अपने बात रखते हुए कहते हैं कि आज पूरे 2 दशक के अनुभव के साथ मैं महसूस कर सकता हूं कि आज आप ऐसे बहुत सारी बुराइयों से आप मुक्त हैं, बहुत सारी सभी बुराइयों से मुक्त हैं। तो ये बात दिलचस्प है कि उन्होंने पूरे 2 दशक के अपने अनुभव को साझा किया उस कार्यक्रम में, और हिंदू समाज के चरित्र पर उनका जो व्याख्यान है वो दिलचस्प है और उसमें नोट किया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि जब हमने अपने पब्लिक करियर की शुरुआत की 1942, 50 साल के अम्बेडकर हो चुके हैं उस समय, ये बात कर रहे हैं, ये टाइम नोट करने की जरूरत है कि जब हमने अपने पब्लिक करियर की शुरुआत की तब लंबे अरसे तक मैं सोचता रहा कि अच्छा हो या बुरा, हम लोग हिंदू समाज के ही अंग हैं, हिंदू समाज से इनकी बुराइयों को खत्म करके समानता के आधार पर हम डिप्रेस क्लासेस को इसमें समाहित कर देंगे। ये नोट कीजिएगा, 42 तक वो कह रहे हैं कि हम समझते थे कि हम हिंदू समाज के ही लोग हैं और इसमें जो इनइक्वालिटीज है वो खत्म करेंगे, और जितने डिप्रेस क्लासेस टर्म यूज किया गया है, कोई वो अछूत नहीं किया गया है, उसमें बैकवर्ड भी हो सकते हैं, उसमें दलित भी हो सकते हैं, कि इनको हिंदू समाज में समाहित कर लेंगे। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमने जो है महान आंदोलन शुरू किया, महाड़ 14 तालाब आंदोलन, नासिक मंदिर प्रवेश आंदोलन, कालाराम टेम्पल आप जानते हैं आंदोलन कराया, और इसी उद्देश्य के लिए हमने मनुस्मृति का दहन ही किया। और दिलचस्प मुझे पहली बार ये लगा कि अंबेडकर जिस भाषण में कह रहे हैं कि हमने सिर्फ यही सब काम नहीं किया,
हमने जनऊ संस्कार भी कराया, हमने उपनयन सेरेमनी भी कराया, कि उस समय तक उनको लगता था कि हम जनऊ पहन लेंगे तो हम अपर हिंदू समाज के अंग हो जाएंगे। तो अम्बेडकर इस बात को 50 साल की उम्र में स्वीकार कर रहे हैं कि हमने जनऊ संस्कार भी लोगों का करवाया, लेकिन वो कहते हैं कि अनुभव ने मुझे बड़ी शिक्षा दी और आज मैं पूर्णतः आश्वस्त हूं कि डिप्रेस क्लास के लिए हिंदुओं में समानता की कोई अवधारणा नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म असमानता की बुनियाद पे ही टिका हुआ है। सो अब हम किसी भी हाल में, किसी भी हालत में हिंदू समाज का अंग नहीं रहना चाहते। 1942 की बात, ये बात समझने की है कि जितने उन्होंने मूवमेंट किए, चाहे महाड़ का हो, कालाराम टेम्पल हो, तमाम, चाहे जनऊ सेरेमनी हो, उन्होंने इसलिए किया, उस समय तो उनको होप था कि हम लोग हिंदू समाज के अंग है। जबकि कोलंबिया से पढ़ के आए थे, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, PhD थे, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टेट्समैन थे, स्कॉलर थे, उनकी बातें देश विदेश के अखबारों में छपती थी, तब भी 42 तक डॉक्टर अम्बेडकर मान रहे थे कि हम हिंदू धर्म को सुधार कर देंगे, तब उसमें हम शामिल हो जाएंगे। तो लेकिन फाइनली उनको लग रहा था कि हिंदू धर्म इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इनइक्वालिटी और इसमें हमारे लिए कोई स्थान नहीं। ये क्लैरिटी डॉक्टर अम्बेडकर को 1942 में आती है। लेकिन इसका समाधान भी अम्बेडकर पेश करते हैं, कहते हैं कि व्हाट इज टू बी डन, अब क्या करें ऐसी स्थिति में। तो वो कहते हैं कि उचित समय पे हम निर्णय करेंगे। उस समय उनके लिए धर्म बहुत इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, क्योंकि वो रियलाइज कर रहे थे कि क्रिप्स मिशन आया है, अंग्रेज यहां से जाएंगे, भारत आजाद होने वाला है। तो उस समय कौन सी इशू है उनके लिए प्रायोरिटी, 1000 समस्याएं होती है एक घर में, एक समाज में, एक देश में। तो उस समय उनके लिए प्रायोरिटी क्या है, ये बात समझने की है। वो कहता है कि उचित समय पे हम निर्णय करेंगे हम क्या है नहीं है, लेकिन इस समय में बस इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में हम हिंदू समाज का हिस्सा नहीं रह सकते हैं। हम इस देश में सरकार बनाने के लिए भागीदार बनना चाहते हैं। We just want to form a political establishment, government in the country. ये बात करने की, सरकार बनाना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम राजनीतिक शक्तियों का विभाजन चाहते हैं। हमारे राजनीतिक अधिकार हिंदुओं के अधिकार से स्पष्ट रूप से अलग माने जाने चाहिए, पृथक माने जाने चाहिए। यदि हिंदू, नोट कीजिएगा, यदि हिंदू हमारे इन अधिकारों को मानने के लिए तैयार हैं, तब इस देश की आजादी के लिए साझा संघर्ष में मैं साथ देने के लिए सदैव कंधा से कंधा मिला के लड़ने के लिए तैयार हूं। ये बात डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने 1942 में कही थी। ये बात इसलिए बाबा साहब को जपने की जरूरत नहीं है, बाबा साहब को पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। अपने अनुयायियों से उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा, एक तो नोट कीजिएगा, ये सब सारे पॉइंट बहुत ही मार्वलस है और इसलिए मैं 8-8 घंटे लगाता हूँ इसको पढ़ने में। आपसे आधा घंटा बात करने के लिए मैं, हमको 10-8 घंटा टाइम लगता है, इसलिए कम से कम शेयर करते जरूर रहिएगा, कम से कम ज्यादा से लोग जान सके। वो अपने अनुयायी को कहते हैं कि मैं नायक पूजा में विश्वास नहीं रखता और न ही अपने अनुयायियों से, अपने फॉलोअर से ऐसी अपेक्षा, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखता कि नायक पूजा की बुराइयों को वो जानते थे। और उन्होंने कहा कि भारत में हर समय जो एक अवतारवाद के सिद्धांत पर बात करते, उन्होंने कहा कि भारत में है कि भाई कृष्ण जी आएंगे, हम लोग विपत्ति में है, संकट में है, तो उनका अवतार होगा और अवतार से वो हमारा उद्धार करेंगे और हम लोग संकट से बाहर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि इस सिद्धांत ने भारत का बेड़ा गर्क किया है, सबसे ज्यादा नुकसान किया है, इसलिए मैं ये फिलॉसफी, ये आइडिया फॉलो करने के लिए आपको नहीं कह रहा हूं, इसका निषेध है। अंत में कहते हैं कि आप पिछले 15 वर्षों से आप जन्मदिन मना रहे हैं मेरा, मैं कभी इसमें शामिल नहीं होगा। नोट कीजिएगा, 1942 में ये बात कही जा रही है
कि ये लोग 15 साल से लगातार उनका बर्थडे मना रहे थे, किसी कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हुए और पहली बार गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में विशेष आग्रह पे वो गए थे। कहते हैं कि अब आप मेरा जन्मदिन मना रहे हैं, गोल्डन जुबली मना रहे हैं, अब बहुत हो गया, इट इज इनफ, छोड़ दीजिए, अब इसके बाद ना कोई उत्सव होगा ना कोई समारोह होगा मेरे जन्मदिन के नाम पे। इसका कारण वो बताते हैं कि नेताओं के प्रति अति आग्रह है ना, बहुत ज्यादा जो है डिवोट हो जाता नेता के प्रति जनता, अति आग्रह जनता के आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है, वो गुलामी की तरफ लेके जाता है। इसी बात को अगर आप 26-25 नवंबर 1949 के भाषण से ऐड करेंगे तो उन्होंने कहा था कि भक्ति धर्म में तो मुक्ति के मार्ग हो सकता है लेकिन राजनीति में हर समय गुलामी की ओर ले जाने वाला मार्ग होता है। तो उन्होंने पूरे अवतारवाद के सिद्धांत का विखंडन किया और कहा कि ऐसी शिक्षा के खिलाफ मैं हूं, ये बोलते हैं विध्वंसक शिक्षा, ये डिवास्टेटिंग है, ये पूरा बर्बाद करता है, पूरे भारत के समाज को गुलाम बनाने में ऐसी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि मैं चाहता हूं कि आप अपनी मुक्ति के लिए किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं हो, किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं हो, आपकी मुक्ति आपके प्रयासों के द्वारा, जनता से आह्वान कर रहे हैं कि आपकी मुक्ति आपके प्रयासों के द्वारा आपके हाथों में है, कि यू आर लीडर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, योर सॉल्वेशन मस्ट लाई इन योर हैंड्स। जनता मैंने देखा है 2-2 अप्रैल हो, रोहित कुंबला हो, या फिर 5 मार्च आंदोलन हो, कई आंदोलन हमने देखा है कि जब नेता सामने नहीं आता जनता खुद सड़कों पे आती है। इसलिए अगर नेता सवाल नहीं उठाए तो जनता को विपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए और अपना नेता तलाश कर लेना चाहिए। अपने जो ये भाषण है पूरा, उसके लास्ट में वो ब्रिटिश और जो कांग्रेस है, जो हिंदू सो कॉल्ड जो हिंदू जो पार्टी है, दोनों को चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत को ये याद रखना चाहिए कि जब सत्ता का हस्तांतरण, जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो, तो डिपोरेस्ट क्लास के हितों की रक्षा होनी चाहिए, उनके हितों की पर्याप्त गारंटी होनी चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो डिप्रेस क्लासेस के लोग हर संभव तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है। ये कहते हैं कि अगर हिंदू समाज के लोग, उसका मतलब कांग्रेस पार्टी लार्जली, ये गारंटी देते हैं कि हमारे हितों की रक्षा होगी तो हम उनके संघर्ष में कंधा से कंधा मिलाकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, अन्यथा हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे। ये दो महत्वपूर्ण जो अंबेडकर साहब के एक भाषण और एक जो इनका लेखन है, ये मैंने बातें कही। और समझने की बात, मैं 2 मिनट और दूंगा। आजादी के बाद इतने सारे एकदम, कल आज देखिए, आज कोरोना संकट में सब लोग अपने घर में रहकर बाबा साहब की जयंती मनाना है। अगर कल्पना कीजिए कि अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो कम से कम कल देश में 500 करोड़ रुपए खर्च हो गए रहते। तो अगर 500 करोड़ रुपए ऐसी हर साल ऐसी हम लोग मनाए, घर में बातचीत करें, मोबाइल के थ्रू कनेक्ट हों, है ना, बाबा साहब की मूर्ति पे सिंबॉलिक एक मोमबत्ती जलाएं और जो आडंबर जो पाखंड उनके बर्थडे के नाम पे हैं उसको अगर पैसे को इकट्ठा करें, मान लीजिए 500 करोड़ रुपए हर साल इकट्ठा करते हैं तो हम लाइब्रेरी का विश्वविद्यालय बना सकते। और बाबा साहब ने बार बार कहा है कि शिक्षा जो एजुकेशन है वो मुक्ति का साधन वही है। तो अगर ये समझने कि बाबा साहब को जपने की जरूरत नहीं, उनको पढ़ने और समझने की जरूरत है, और इन नेताओं को ये समझना चाहिए कि बाबा साहब ने मूर्ति पूजा के खिलाफ लिखा था 1916 में और अंतिम दिनों तक वो नायक पूजा के खिलाफ थे। आज जितने हजारों संगठन है, हजार में नाम नहीं लेना चाहता, हजारों राजनीतिक दल है, एमपी है, मिनिस्टर है, बड़े बड़े लोग हैं, अगर ये सब मिल जाए और सोचे कि नहीं हमें 10 यूनिवर्सिटीज बनाने हैं, यकीन मानिए भारत के मुकद्दर बदलने में 10-20 साल लगेगा। 10 यूनिवर्सिटीज बनेंगे हजारों की संख्या में, हम कोलंबिया यूनिवर्सिटी भारत में बना सकते हैं,
हम ऑक्सफोर्ड भारत में बना सकते हैं, हम हार्वर्ड भारत में बना सकते हैं। इसके लिए समाज को ये बात समझनी है कि अगर आप बाबा साहब को सिर्फ जपते हैं, सिर्फ फूल माला पढ़ाते हैं, ढोल बजाते हैं, भक्ति में नाचते रहते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो बाबा साहब के लिए श्रद्धांजलि नहीं है। सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि बाकी बाबा साहब के नाम पर बाबा साहब के लिए और ऐसे इंस्टीट्यूशन बने, ऐसे लोग डेवलप करें जो इक्वलिटी के सिद्धांत में, जो समानता बंधुत्व भाईचारा के सिद्धांत में विश्वास, भाईचारा और बहनचारा भी जोड़ दीजिए, क्योंकि भाईचारा थोड़ा सा वो लगता है कि वो पुरुषवादी वर्ड है, ऐसे समाज के निर्माण में ये भूमिका निभा सकें। अगर वाकई हम चाहते हैं कि बाबा साहब के सपनों का भारत बने, तो हमें लगता है कि एमएलए एमपी मिनिस्टर सीएम पीएम आते जाते रहेंगे, संस्थाओं के इंस्टीट्यूशन के निर्माण पे ज्यादा से ज्यादा बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि भविष्य के नेता इंटेलेक्चुअल्स ये त्रासदी है। आप 70 साल में देखिए ना, ये दलित मूवमेंट ने, आज आपके पास दो हिस्टोरियन नहीं है, दो सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, दो ऐसे लोग नहीं जिसको नोबेल प्राइज के लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी आपने नहीं किया। आपने मिनिस्टर तो बहुत बना दिए, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तक बना चुके, लेकिन वो नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड करने के लिए आपके पास लोग नहीं, हिस्टोरियन, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजिस्ट, जर्नलिस्ट, थिंक टैंक, आइडियोलॉग, जो एक लेख लिखे तो पूरे दुनिया भर में पढ़ा जाए, ऐसे लोग आपके पास नहीं है। तो ये बात बाबा साहब इन दो अपने व्याख्यान में और लेखन में कह रहे थे, इस बात को समझना है। साथियों, मैंने लंबा वक्त लिया, लेकिन ये अवसर है कि मैं अपनी बात साझा करूँ। कल अगर समय मिला तो कल दिन में एक बार लाइव होऊंगा, अगर मेरी बातें ठीक लगे तो जरूर इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचना चाहिए। बोलने में, पढ़ने लिखने में बहुत समय और मेहनत लगता है, लेकिन अगर साझा करने में कंजूसी करेंगे, इसका मतलब है कि आप मिशन को लेके आप प्रतिबद्ध नहीं है, आप कमिटेड नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच बात पहुंचाएं कि डॉक्टर अम्बेडकर के ओरिजिनल राइटिंग से हमें बात कहनी है, हमें समझनी है। आप सबको बहुत बहुत एक राष्ट्रीय आह्वान हो बड़े बड़े संगठन के द्वारा, इस सारे संसाधन को इकट्ठा करें, हम स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं, यूनिवर्सिटी बनाएं। शुक्रिया साथियों, जय हिंद, गुड नाइट।